दुल्हन बनना किस लड़की की ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन शादी से पहले जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है हमारी स्किन केयर रूटीन। तो आज की वीडियो तमाम दुल्हनों के नाम, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बाजार व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे खुदा खैर ऑफिस से होंगे। तो जी आज है मेरे पास सईद गनी की तरफ से आया हुआ एक पार्सल, ये आप लोग देख सकते हैं और पार्सल का साइज़ भी चेक कर लें। इसके अंदर है तो वैसे बहुत कुछ, लेकिन आज मैं रिव्यू दूंगी इसके अंदर मौजूद एक प्रोडक्ट पे जो कि सईद गनी का ये फेयरनेस उपटन है। और ऑर्डर मैंने काफ़ी दिनों से जो है वो दिया हुआ था, लेकिन मुझे आज रिसीव हुआ। आज मैं बहुत सारे मैसेज कर रही थी सईद गनी के वेबसाइट्स पे, व्हाट्सएप नंबर्स पे, फेसबुक पर, कि मैंने पार्सल जो है वो एक ऑर्डर पंच किया हुआ, लेकिन अभी तक मुझे पार्सल नहीं आया। फाइनली ये आज मेरे पास आ गया। अगर आपको सईद गनी की बाकी प्रोडक्ट्स पे भी रिव्यू चाहिए तो आपको इस वीडियो पर ढेर सारे लाइक कमेंट्स करने होंगे और इसको अपने प्यारों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। इस उपकरण के रिव्यूज़ के मतलब मैंने जितना इनकी वेबसाइट पर देखा, यूट्यूब पर देखा, फेसबुक पर देखा, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन सब पर जितना इसके रिजल्ट को मैंने सर्च किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस वही सब कुछ सोच के मैंने कहा कि आज मैं भी इसको जो है वो ट्राई करूँगी। तो जो कुछ मुझे मिला मैं ले आई। कुपन तो मेरे पास है, एक अदद चीज़ें चाहिए इसके लिए आपको, और एक प्यारा सा कोई सा भी बाउल ले लें। और साथ में मैं सोच रही थी मुझे अच्छा सा एक कोई स्पून मिल जाए, नहीं मिला तो फिर मैं यही ले आई। जैसा कि अब गर्मियाँ, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लोग गर्मियों में जो भी फेस पैक बना रहे हैं, बहुत से लोग बेसन घोल के भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत से डिफरेंट फेस पैक इस्तेमाल करते हैं, तो ऑयली स्किन वालों के लिए स्पेशली ये है कि वो या तो सिंपल पानी के साथ इस्तेमाल करें फेस पैक को, या रोज़ वाटर के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी स्किन को ना एक मैट लुक मिलती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसको मलाई के साथ और साथ दूध के साथ, ठीक है, और किसी भी फेस पैक को जो है वो आप दूध के साथ बनाते हैं तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। एक तो होता है ना दूध, हम घर में ला के उबाल के उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। आपने बाज़ार से जो दूध लेके आना है कच्चा दूध, उसमें से दूध निकाल लें और उससे अपना फेस पैक इस्तेमाल करें। जो दूध होता है ना वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो अगर ऑयली स्किन वाले दूध के साथ फेस पैक यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन मज़ीद ऑयली हो जाएगी। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए ऑयली स्किन वाले वाटर के साथ, एलोवेरा जेल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोज़ वाटर के साथ भी। और जो ऑयली स्किन वाले हैं, सॉरी ड्राई स्किन वाले हैं, वो मिल्क के साथ, मलाई के साथ, इस तरह की चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इस उपटन की ओपनिंग की तरफ। मैंने लाइफ में कभी उपटन इस्तेमाल नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। और काफ़ी दिनों से मैं अपनी स्किन केयर भी फॉलो नहीं कर रही थी और अपर लिप्स भी जो है मैंने अभी करवाने हैं, तो चले चलते हैं इसकी जानिब। पैकिंग के हवाले से बात की जाए तो पैकिंग बहुत अच्छी है। इस पैक के अंदर एक और पैक भी है जिससे सेफली जो है वो आपको उपटन आप तक पहुंच जाता है। 100 ग्राम जो है वो इसकी क्वांटिटी है और आप इसको रबर बैंड चढ़ा के बाद में दोबारा सेव करके भी रख सकते हो इसी तरह से। तो मैंने सिर्फ फेस पे और हैंड्स पे ही अप्लाई करना है। तो ये वाला जो मैंने स्पून लिया है, ये मैं 1 टेबल स्पून जो है बस लूँगी इसका। बनाना कुछ इस अंदाज़ में आपने कि 1 टेबल स्पून आपने लेना है फेस के लिए, काफ़ी इतनी क्वांटिटी, ठीक है। तो खुशबू बहुत अच्छी थी इसकी और मैंने आपको बता दिया कि ऑयली स्किन है तो कैसे बनाना है, ड्राई स्किन है तो कैसे बनाना है, ठीक है। और अगर आपकी स्किन मीन्स के नॉर्मल टू कम्बिनेशन की तरफ है तो आपने थोड़ा सा इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट रखना है और उसको फेस पे ऐसे लगाना है कि आपने हल्का हल्का रब करना है और फिर फेस पे अप्लाई करते जाना है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आपने बहुत पतला सा पेस्ट बना लेना है और उसको फेस पे अप्लाई करके छोड़ देना, आपने रबिंग नहीं करनी, ठीक है, स्क्रबिंग नहीं करनी। अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपने पेस्ट को अप्लाई करके छोड़ देना। मेरी सेंसिटिव स्किन नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट रखा था और उसको मैंने अप्लाई कर लिया, उसके बावजूद बच गया। फिर मैंने अपने हाथों पर पाँव पे भी अप्लाई कर लिया, इतना मेरा माशाल्लाह से हो गया था। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने जाके इसको पहले वेट करना है और फिर इसकी अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, हैंड्स पे, फेस पे, पाँव पे भी मैंने लगाया हुआ है, और उसके बाद जो है मैंने इसको वॉश कर देना, ठीक है। तो मैं वो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, फेस वॉश करके मैं आ गई हूँ और ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा और हैंड्स पे भी यानी कि अच्छा आया है, एकदम से स्किन सॉफ्ट हो गई, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई बेबी की तरह, बेबी स्किन हो गई। बासानी जो है इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्ने के लिए बहुत बेस्ट है ये। और फर्स्ट रिज़ल्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ, आगे आगे देखें किस तरह से रिज़ल्ट आता है। और मज़ीद सईद गनी की प्रोडक्ट्स के रिव्यू के लिए मेरे साथ इसी तरह बंधे रहिएगा, क्योंकि अभी इस पूरे बॉक्स में
बॉक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो वो याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारा जो वेलफेयर है साले रहमान वेलफेयर, वहाँ पे एक बेटी की शादी का केस आया हुआ है। आप हम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहनें नहीं होती, बेटियाँ नहीं होती, तो आप लोग के पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप लोग इस तरह से जो है इस कारवां में शामिल होके किसी की बहन बेटी के जो फ़राइज़ हैं रुखसती के उसको सर अंजाम पहुँचा सकते हैं। आप लोग हमें कपड़े भी भेज सकते हैं उसके लिए, अगर कोई चीज़ देना चाहें घर की अशिया जिस तरह से होती है बिस्तर कंबल डिनर सेट वगैरह जो होते हैं, अगर आप लोग वो डोनेट करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ उसके निकाह के जो खाने के खर्चात हैं आप हमारे साथ मिलकर वो भी उठा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।